जयिन, दो वीडियो मेरे पास आए अभी जिसमें दो मादर चोर हमारा दैवत हमारा भगवान श्री छत्रपति महाराज उनके खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडी करके उनका मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अभी अगर मैं तो ऑफिसर से बात किया तो बोले कि दो साल पुराना है ये, मगर दो साल पुराना, दो साल पहले भी आप लोगों के गांड में इतना कैसा गुर्दा आया जो हमारे भगवान के खिलाफ आप बात कर सके? ये मजाक बनाने की बात है? तुम्हारे मां बाप को कॉमेडी करते समय तुम पैदा हो गया? तुम्हारे को शर्म नहीं आता है? पढ़ा लिखा नहीं है क्या तुम लोग? भूख आता है क्या? हाँ, तुम लोग भूख आता है? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ये होते पढ़े लिखे अनपढ़। कितने सारे बुक पढ़ते मगर अनपढ़। मैं चाहता हूं और ये पूरा मेरा हिंदुस्तान चाहता है कि ये दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके फिर के इसके बाद कोई ऐसा मादर चोर हमारे भगवान के खिलाफ बात करने से पहला 10 टाइम सोचे। ये भड़वे का नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम। ये देखो, बहुत खुशी हो रही है उसको। तेरे एक बाप का नाम पोकेमोन रख दे और दूसरे बाप का नाम चिंचांग रख दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गलती से मिस्टेक हो गया और तू पैदा हो गया डोरेमोन, समझा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने बाप के दो नाम रख, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मगर हमारे को फर्क पड़ता है, हमारा भगवान है वो, हमारा भगवान है। तो बेहतर इतना ही होगा तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि वीडियो बना के हिंदुस्तान के सारे जनता से आपने जो किया है वो माफी मांग लो। ये बहुत अच्छा होगा आपके लोगों के लिए। वो लड़की का नाम क्या है? अग्रिमा जोशुआ। आप दोनों मिलके एक वीडियो बनाओ और ये पूरे महाराष्ट्र के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगो जिसकी वजह से उनका दिल दुखाए, हमारे भगवान का तक जो आप लोगों ने मजाक उड़ाए, माफी मांगो। ये आप लोगों के लिए अच्छा हो। आज के बाद ये तुम्हारी कॉमेडी विमेडी है ना, मां बाप सोच जाएंगे काय का मजाक किया और पैदा किया, फिर से ऐसी हरकतें नहीं करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।